नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोजरी वाइट कंपनी के बारे में। इस कंपनी का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसमें काफ़ी सारे फ्रेंड्स का अपर लेवल का बाइंग है, तो इनको ये स्टॉक में कौन सा लेवल तक होल्ड करना चाहिए अगर स्विंग ट्रेड के लिए लिए हुए हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर पहली बार आपने इस चैनल पर विजिट किए हैं चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्रेंड्स, अगर हम रोजरी बायोटेक कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी का रिजल्ट आया है, पहले कंपनी का रिजल्ट को पहले स्टडी करते हैं। कंपनी का जो रिजल्ट देखने को मिला है, यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है, 234 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है। अगर हम ईयर ऑन ईयर के बेसिस में देखते हैं तो यहाँ पे सेल्स में भी अच्छा सा जंप देखने को मिला है। उसी के साथ में अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो जून के साथ में यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो देखने को मिला है तो यहाँ पे 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि सेल्स में तो अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बारे में तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि इससे जून के क्वार्टर में यहाँ पे 20 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था तो अभी यहाँ पे 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में अगर हम लास्ट 4 क्वार्टर का अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखते हैं तो यहाँ पे 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। उसी के साथ में अगर सेल्स के बारे में बात करेंगे तो 1103 करोड़ का कंपनी का सेल्स भी देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में अगर हम बैलेंस शीट जाके देखते हैं कंपनी का, तो यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट में रिजर्व देखने को मिल रहा है, 774 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व देखने को मिला है, जो कि मार्च के क्वार्टर में यहाँ पे 394 करोड़ का कंपनी का रिजर्व देखने को मिला था। तो यहाँ पे कंपनी का, और उसी के साथ में अगर हम बोरोइंग के बारे में बात करेंगे, कंपनी का जो बोरोइंग है, कंपनी यहाँ पे आईपीओ आया था, कंपनी का आईपीओ कब आया था अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे जो आईपीओ आया था अगस्त में आया था, अगस्त 2020 में यहाँ पे कंपनी का आईपीओ देखने को मिला था। उसी के साथ में कंपनी में एक बोरोइंग तो बिल्कुल है ही नहीं, कंपनी में एक डेट फ्री कंपनी है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, 68% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। उसी के साथ में एफआई के पास में 8.5% का स्टेक है। उसके साथ में अगर हम डीआई के बारे में बात करेंगे, 13.02% का डीआई के पास में होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और उसके साथ में अगर हम पब्लिक के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 9.9% का यहाँ पे पब्लिक के पास में स्टेक देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में अगर हम देखते हैं कंपनी का, अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखते हैं, जब से लिस्टिंग हुआ है तो यहाँ पे स्टॉक ने अच्छा खासा था और रिटर्न कमा के दिया था, तो यहाँ पे 100% का रिटर्न तो कमा के दिया है। लेकिन उसके बाद में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है, जब से यहाँ पे मार्केट में फॉल हुआ है अक्टूबर से, तब से ये स्टॉक में फॉल देखने को मिला है। तो अभी भी जिन्होंने यहाँ पे आईपीओ के टाइम पे इन्वेस्ट किए हैं तो अभी भी यहाँ पे 26% में वो प्रॉफिट में देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसी के साथ में हम अभी चार्ट पैटर्न जाएंगे, चार्ट पैटर्न से स्टडी करेंगे तो कौन सा लेवल तक हमें यहाँ पे पोजिशन बनाना चाहिए। अगर हम देखते हैं तो अभी एक क्या मेजरली यहाँ पे जो सपोर्ट बनना, सपोर्ट का लेवल था, यहाँ पे सपोर्ट का लेवल मुझे लगता है यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है, जो कि मेजर सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट था तो यहाँ पे कंपनी ने एक मेजर सपोर्ट बना चुका है। तो इस लेवल को लेके आप देखेंगे यहाँ पे एक 4-5 कैंडल है, उसके साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडल है, मतलब यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। उसी के साथ में चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा वॉल्यूम भी आना स्टार्ट हो चुका है। आप अगर इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा वॉल्यूम भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो हमें अभी स्टॉक स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे 50 डेज का मूविंग एवरेज को स्टॉक ने अच्छी तरीके से यहाँ पे तोड़ा है, उसके साथ में 100 डे का मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करके ऊपर जा चुका है। उसी के साथ में अगर हम टारगेट के बारे में बात करेंगे तो एक स्टॉक का टारगेट क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर हम टारगेट के बारे में बात करेंगे, मुझे लगता है यहाँ पे जो टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा इस लेवल तक हमें लेके चलना चाहिए, ठीक है। अगर स्टॉक में हम टारगेट के बारे में बात करेंगे, टारगेट स्टॉक का इस लेवल तक हमें लेके चल सकते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है कंपनी। देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, उसके पीछे का रीजन यही है। आप देखेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, उसके बाद में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टॉक ने यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है, उसके साथ में यहाँ पे भी कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है, कई सारा कैंडल वही सेम लेवल पे चल रहा है। उसके साथ में यहाँ पे भी एक अच्छा सा सपोर्ट भी लिया है, उस दिन में देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के साथ में यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे कई सारा कैंडल इसी सेम लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फेस करेगा कंपनी का जो स्टॉक का, तो अभी 1292 का लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, जो कि फिर से यहाँ पे टारगेट में लिख लेता हूँ, 1292, ठीक है। तो यहाँ पे जो टारगेट निकल करके आता है 1292 टारगेट तक आप इसमें बने रह सकते हैं, 1292 तक। तो वहाँ तक का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना परसेंटेज का गेन बचा हुआ है 1292 तक, देखिए
1292 तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 38% का गेन बचा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये स्टॉक में पहला टारगेट आपका 38% में आपको निकलना है, जो कि 1292 है। और सेकंड टारगेट के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक का ऑल टाइम हाई तक आप सेकंड टारगेट लेके चल सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई है। लाइफ टाइम हाई तक अगर लेके चलते हैं तो यहाँ पे 1611 तक आप लेके चल सकते हैं। तो वहाँ तक आपको जो टारगेट है एक साल के अंदर अचीव हो सकता है। ये जो टारगेट है आपको विद इन 6 to 8 months में अचीव हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स, मैं जो भी बता रहा हूँ अपना पुराना एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। और उसी के साथ में स्टॉक का जो कंसोलिडेशन हुआ है काफ़ी दिन से, एक अच्छा सा एक्युमुलेशन जोन बना कर रखा हुआ है, तो यहाँ पे अच्छा सा यहाँ पे बाइंग एक्युमुलेट किया गया है स्टॉक में, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये टारगेट पे आपको निकलना है, जो कि 1292 है। और यहाँ पे जो सेकंड टारगेट आपका निकल करके आ रहा है यहाँ पे 1611 है। सेकंड टारगेट के लिए आप रुक सकते हैं, जो कि 1611 का आपका सेकंड टारगेट है, ठीक है। अगर आप सेकंड टारगेट तक यहाँ पे रुकते हैं, देखिए कितना परसेंटेज का गेन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सीधा सीधा आपको एक 73% का गेन देखने को मिल सकता है, जो कि सेकंड टारगेट है 1611, ठीक है। तो यहाँ पे 73% का गेन है, हो सकता है इसके लिए एक साल डेढ़ साल लग सकता है। लेकिन ये जो पहला टारगेट है आपको 6 to 8 months में आपका टारगेट अचीव हो सकता है, ठीक है। तो यार कंपनी तो बहुत बढ़िया है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए तो 18% का कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसी के साथ में डेट फ्री कंपनी है। ये सारे पैरामीटर जो है ना कंपनी का एक अच्छा सा ये दिखाता है कि कंपनी आगे आने वाले टाइम पे एक अच्छा सा ग्रोथ कर सकता है। कंपनी का प्रोडक्ट क्या है देख लीजिए, मेजर प्रोडक्ट जो कंपनी का हम देखेंगे ये तो केमिकल कंपनी है, आप सबको पता है रजौरी बायोटेक है, केमिकल कंपनी है। तो 2003 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। और कंपनी का मेन बिजनेस अगर हम देखेंगे तो टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल कंपनी बनाता है इंडिया में। देयर आर थ्री मेन प्रोडक्ट कैटेगोरी, जो कैटेगोरी है तो यहाँ पे होम एंड पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल, और उसके साथ में टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल, उसके साथ में एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। और इसी हिसाब से कंपनी का अगर हम देखेंगे द कंपनी हैज 2 R&D फैसिलिटीज, 1 at सिल्वासा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड अनदर 1 इज रिसर्च लैब एट IIT बॉम्बे, ठीक है। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है ये कंपनी का अच्छा सा आपको प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन ओवरऑली आपको डिसाइड करना है कि आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक है तो वोलाटाइल होता ही है। उसके साथ में कंपनी का अच्छा सा करेक्शन हो चुका है। इस बेसिस पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे टिकट टाइप में देखते हैं तो यहाँ पे क्या टारगेट निकल करके आता है फ्रेंड्स। देखिए ये जो भी मैं चार्ट का एनालिसिस करता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। कैसे करना है तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट विजिट करना है, प्लेलिस्ट में वीडियो वगैरह देखना है, पुराना वीडियो वगैरह को देखिए, आपको बढ़िया से आपको सीखने को मिल सकता है, वहाँ पे सीख सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पे बेगनर स्टॉक मार्केट जो वीडियो है 24 वीडियो इसको देखिए, यहाँ पे चार्ट एनालाइज किया हुआ है। उसके साथ में पोर्टफोलियो रिव्यू भी देखिए। यहाँ पे ये सारा चीज़ अगर आप फ्रीली देखेंगे ना तो बहुत कुछ आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। अगर आपके पास में टाइम नहीं, अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हैं, जो कि हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे 30% शेयर कमाना है, तो वहाँ पे पर्सनली आपको केयर करेंगे, ठीक है। तो उसी के साथ में यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो टारगेट है अभी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे टिकट टाइप के हिसाब से कौन सा टारगेट बता रहा है। कंपनी का डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी का इशू नहीं है तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिया है। उसके साथ में क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, क्वालिटी चेक ग्रीन में दे रहा है। उसी के साथ में ग्रोथ स्टोरी अगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। उसके साथ में 67% का एनालिस्ट यहाँ पे बाइंग का कॉल दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम जाके इस चीज़ का अगर हम ये यहाँ पे फोरकास्टिंग देखते हैं, कंपनी का फोरकास्टिंग देखते हैं तो यहाँ पे जो फोरकास्टिंग निकल करके आता है तो 3 एनालिस्ट यहाँ पे बाइंग का कॉल दे रहे हैं। तो इसी हिसाब से जो मीडियम का टारगेट है 972 है, और यहाँ पे जो हाई के हिसाब से टारगेट है तो अभी 30% का गेन अभी टिकट टाइप का हिसाब से निकल करके आ रहा है, जो कि 1218, ठीक है, 1218 तक आपको रखना चाहिए, जो कि यहाँ पे हाई के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको निकल करके आता है 1292 तक, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप थोड़ा सा खुद का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको सही लगता है इस स्टॉक में आप बिल्कुल अपना पोजिशन बना सकते हैं, अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप ये वीडियो को जरूर इग्नोर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो को जरूर फ्रेंड्स लोग के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो उनको थोड़ा सा अच्छा सा बेनिफिट मिल सकता है ये स्टॉक में अगर उनका पोर्टफोलियो है तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नया एक वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।